Good morning, students. Now we will going to start a new chapter of your book, that is history, introducing history, and it's the another part of your SST subject. First one was geography and the another one is history. So in this is again a very essential subject which comes under social science. It's a very interesting subject. So the first chapter is about introducing history, for because this is a very very new subject for you all, because isse pehle aap logon ne kabhi bhi history ke bare mein nahi padha. Iske isse related isme kya hota hai, kya cheeze aati hain, isme hum kya padhte hain, ye aap sab is class se पढ़ना शुरू करेंगे. दैट इट दैट व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री है क्या. ओके, नाउ प्रेस द नेक्स्ट स्लाइड एंड गेट मोर, गेट टू नो मोर अबाउट इट. ओके, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट स्टडी ऑफ हिस्ट्री. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है. द नेक्स्ट पार्ट इज प्री हिस्ट्री, देन प्रोटो हिस्ट्री, देन हिस्ट्री, देन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. हम कैसे हिस्ट्री को पता लगाते हैं, हम किन किन तरीक़ों से. एंड देर आर टू सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज, बट हेयर वी विल फिनिश इट अप टू आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज आई विल बी टीचिंग इन द नेक्स्ट डे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टडी ऑफ हिस्ट्री. And press the next slide. Study of history includes that why history is an important chapter. Why history is included in our syllabus? क्या हमने कभी सोचा है कि इसको हम हमारे syllabus में क्यों add किया गया है, क्यों पढ़ाया जाता है, हम क्यों पढ़े. और history है क्या. History वो है जो हम लोग past के बारे में पढ़ते हैं, कुछ भी जो बीत चुका है. ठीक है, कभी कभी आप सोचते हो कि हम कौन हैं, क्या हम कहाँ से आए हैं, ये जो ह्यूमन की पूरी स्पीशीज़ है ये कहाँ से आई है. व्हाट डिड आई डू व्हेन आई वाज 3 years old. कभी ये सोचा है कि जब मैं 3 साल का था या 3 साल की थी तब हम क्या करते थे. या हमारे पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स तो हमेशा ही होते हैं उन ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए, पर अगर हमें उनसे भी पुरानी चीज़ों के बारे में पूछना है, जैसे कि हमारे दादा दादी से भी पहले क्या क्या चीज़ें होती थी, किस तरह से वो लोग क्या करते थे, उनसे भी पहले कौन थे, अगर ये सब पढ़ना है, जानना है, हाउ दे लिव्ड इन द पास्ट, सो वी हैव टू स्टडी हिस्ट्री. तो इसीलिए हम उन सब चीज़ों को जानने के लिए कि पहले क्या होता था, पहले राजा महाराजा लोग कैसे रहते थे, किस तरह से रहते थे, कौन सी भाषा बोलते थे, अगर ये सब हमें नहीं पता होगा तो हम आज के सिनेरियो को कभी चेंज नहीं कर सकते. और आज का सिनेरियो ऐसा कैसे है, आज जो हम आसपास देखते हैं ये ऑल ऑफ अ सडन तो बन नहीं गया होगा. कुछ तो रीज़न हुआ होगा कि तभी हम लोग आसपास इस तरह की चीज़ें देखते हैं. अभी जैसे वायरस है, जो COVID-19 वायरस, इट्स ऑल स्प्रेड ओवर द वर्ल्ड. ऐसा क्यों हुआ, हमने इसके बारे में रिसर्च किया, राइट, पढ़ा, देखा, बहुत सारे वीडियोस भी हैं गूगल पर, यूट्यूब पर, देयर सो मेनी थिंग्स. तो वो ये सारा पार्ट आ जाता है हिस्ट्री का, कि इससे पहले और भी ऐसे ऐसे पेंडेमिक वायरसेस हो चुके हैं क्या, फैल चुके हैं वर्ल्ड में तभी, और किस तरह से फैलते हैं. तो ये भी तो एक पार्ट हुआ ना हिस्ट्री का. सो हिस्ट्री इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी कैन रिलेट विद आर लाइफ. सो स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट द नॉलेज गेन्ड फ्रॉम द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बोथ पास्ट एंड द प्रेजेंट. जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग इसीलिए हिस्ट्री को पढ़ते हैं क्योंकि इससे हमें ये पता लगता है कि हमारा पास्ट कैसा था और उसी की वजह से हमारा प्रेजेंट ऐसा बना है. हिस्ट्री टेल्स अस अबाउट पास्ट सेटलमेंट्स, इकोनॉमी एंड सोसाइटी. हिस्ट्री से हमें ये पता लगता है कि पहले कैसे लोग रहते थे, कैसी इकोनॉमी होती थी. इकोनॉमी इज़ ऑल अबाउट
रुपीज़ या किस किस तरह से मार्केट में पैसा चलता था, कौन से पैसे होते थे, क्या आज की तरह नोट्स हुआ करते थे या सिक्के होते थे. तो इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमी, कौन कितना अमीर कितना गरीब, कौन सा देश कौन सा राजा कितना अमीर था. एंड सोसाइटी, सोसाइटी मीन्स हमारा समाज, हमारा हमारे आसपास की चीज़ें. तो हिस्ट्री से हमें पता लगता है कि क्या सोसाइटी पहले ऐसी ही थी जैसे हम आज देखते हैं, क्या ऐसे ही बच्चे आज जैसे स्कूल जाते हैं, लोग ऑफिस जाते हैं, तो क्या शुरू में भी यही काम करते थे या नहीं. ओके, एंड द थर्ड पॉइंट इज आर मॉडर्न वेज, हिस्ट्री टीच अस आर मॉडर्न वेज ऑफ लिविंग डिड नॉट अकर ऑल एट वंस. जैसे कि मैंने अभी अभी कहा कि आजकल के टाइम जो हम लोग कर रहे हैं क्या वैसे ही शुरू से चलता रहा है? नहीं. फ्रॉम द लाइफ ऑफ द हंटर गैदरर द अर्ली मैन स्लोली मूव टूवर्ड्स अ मॉडर्न लाइफ स्टाइल. और अगर हम तरीके से जानेंगे तो डायनासोर्स वगैरह के एक्सटिंक्ट हो जाने के बाद, काफ़ी सालों बाद जब दोबारा से लाइफ आई अर्थ में, तब लाइफ आने के बाद यहाँ पर जब ह्यूमंस, पहले जो एप्स होते थे, एप की शेप में होते थे, फिर वो धीरे धीरे इवॉल्व हुए, फिर वो ह्यूमंस की शेप में आए. अर्ली मैन के आदि मानव आप लोग जानते होंगे या कभी सुना होगा. तो अर्ली मैन थे जब हम, जब इंसान शुरू शुरू में जब उसको नहीं पता था कि कैसे खाना बनाते हैं क्या करते हैं, तो उसको जो मिलता था वो वैसे ही खाता था. तो हम तो शिकार करके कुछ भी, पत्ता पेड़ पौधे फल जानवर हम सब कुछ खाते थे. तो उसके बाद धीरे 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 करके स्लोली वी मूव टूवर्ड्स अ मॉडर्न लाइफ स्टाइल. और इस चीज़ को होने में बहुत साल लग गए और आज जाके हम ये मॉडर्न लाइफ स्टाइल लीड करते हैं कि अब हम प्रॉपरली खाना अब हम खुद नहीं उगाते, ना ही हम शिकार पे जाते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं होता है. तो अब हम सारी चीज़ें हमारी बदल चुकी हैं. अब हम लोग कहाँ जाते हैं खाना खाने, खाना लेने भी, सब्जियाँ जो खेतों में उगती हैं फिर वो फैक्ट्रीज़ में आती हैं, फैक्ट्रीज से फिर मॉल्स और मार्केट्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, फिर हम लोग जाके मॉल्स और मार्केट से सब्जियाँ लाते हैं. तो दिस इज़ अ मॉडर्न लाइफ स्टाइल, लेकिन ये शुरू से ऐसा नहीं था. तो इसी के बारे में पूरी हिस्ट्री है. हिस्ट्री हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आर प्रेजेंट एंड मोल्ड आर फ्यूचर टू. और हिस्ट्री से ही हम लोग ये सबक सीख सकते हैं कि जो जो गलतियाँ हम लोगों ने अपने पास्ट में की है या जो जो चीज़ें हुई हैं वो हम अपने फ्यूचर में ना दोहराएं, और जो चीज़ अच्छी थी वही हम फ्यूचर में अपनाएंगे. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि इससे हम आने वाले फ्यूचर को भी बचा सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं अपने फ्यूचर को. ओके, सो प्रेस द नेक्स्ट स्लाइड एंड वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर एंड द नेक्स्ट टॉपिक, प्री हिस्ट्री. ओके किड्स, अ नेक्स्ट टॉपिक इज प्री हिस्ट्री. सो प्री हिस्ट्री का मतलब क्या है? जो पहले हो चुका है. प्री इज पहले. प्री हिस्ट्री इज द पीरियड फॉर विच देयर आर नो रिटन रिकॉर्ड्स. जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ जो बहुत पहले हो चुका है, बहुत पहले, उसका कोई भी हमारे पास रिटन रिकॉर्ड नहीं है. जैसे कि फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग डायनासोर्स, तब का कुछ हमारे पास रिटन रिकॉर्ड तो है नहीं. हमारे पास जो भी है वो उनके बचे हुए फॉसिल्स हैं. सो वी हैव टू रिलाई इंटायरली ऑन आर्कियोलॉजी टू नो अबाउट द लाइव्स. तो हम प्री हिस्ट्री के टाइम की अगर बात करें तो उस टाइम पे अगर हमें जानना है कि क्या हुआ करता था, हमारा अर्थ कैसा था, सब कुछ कैसा हमारा एनवायरनमेंट था, किस तरह के जीव जंतु रहते थे, उसके लिए हम सिर्फ एक ही चीज़ पे निर्भर हैं, वो है हमारी आर्कियोलॉजी. आर्कियोलॉजी का मतलब होता है, क्या आप लोगों ने कभी कभी कुछ लोगों को ऐसे डिस्कवरी चैनल पे या हिस्ट्री चैनल पे कभी देखा है कि ज़मीन में खुदाई करके वो बोन्स वोन्स देखना, डायनासोर्स के बोन्स वगैरह, फिर उनको उठा के म्यूजियम में रखा जाता है. तो वो जो लोग होते हैं जो उनको आर्कियोलॉजिस्ट का बुलाया जाता है.
So we really rely entirely on archaeology of that period to know about the lives and history of the people living during that period. Archaeologist का काम क्या होता है? They explore. वो इधर उधर एक्सप्लोर करते हैं, जगह बहुत सारी जगह घूमते हैं, एक्सकेवेट करते हैं. एक्सकेवेट का मतलब होता है ज़मीन के नीचे से आप कुरेद कुरेद के चीज़ों को निकालना, और जब वो चीज़ मिल जाती है उस पर स्टडी करते हैं. जैसे कि डायनासोर्स के जो बोन्स हैं उनको एक्सकवेशन के बाद फिर उन पे स्टडी किया जाता है कि वो कितना पुराना था, वो कितने मिलियंस ऑफ इयर्स अगो वो डायनासोर मरा होगा, या कैसे हुआ करते थे, किस शेप में होते थे, कितने बड़े होते थे, क्या लिजार्ड शेप में होते थे या बहुत बड़े से शेप में होते थे उनका. तो ये सब हम लोग सिर्फ आर्कोलॉजी से ही जान सकते हैं, क्योंकि उस टाइम का कोई भी हमारे पास रिटन रिकॉर्ड नहीं है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्लाइड व्हेन व्हिच वी विल टॉक अबाउट प्रोटो हिस्ट्री. जो हमारी जो हिस्ट्री है वो तीन हिस्सों में बांटी गई है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. तो ये प्री हिस्ट्री का पार्ट था. नेक्स्ट इज प्रोटो हिस्ट्री. प्रेस द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, द प्रोटो हिस्ट्री इज अबाउट प्रोटो हिस्ट्री इज़ द पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड द बिगनिंग ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री. जो प्रोटो हिस्ट्री है वो प्री हिस्ट्री, जो कि हम पढ़ चुके हैं डायनासोर के टाइम की बात करते हैं, और उसके बाद जो बीच में पीरियड आता है वो प्रोटो हिस्ट्री है, जिसका थोड़ा बहुत हमारे पास रिटन रिकॉर्ड है, बट अभी भी वो डेसिफर नहीं हुआ है. अभी भी उस रिटन रिकॉर्ड का हम लोगों को मालूम नहीं चला है कि वो किस भाषा में बात करते थे. एंड उसके बाद जो हमारी रिकॉर्डेड हिस्ट्री आती है. सो प्रोटो हिस्ट्री इज़ द मिडिल हिस्ट्री. वी डू फाइंड सम रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ दिस पीरियड, बट देयर आर फ्यू एंड येट टू बी डिसिफर्ड. अभी भी ये बहुत कम है और अभी तक इनकी खोज पूरी तरह से नहीं हो पाई है. और जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंडस वैली सिविलाइजेशन, हिंदी में कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, इसी टर्म में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें इस सिविलाइजेशन में जिस अगर किसी ने इसके बारे में पहले सुना है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरे वर्ल्ड में हमारी सबसे पुरानी सिविलाइजेशन थी, जो कि इंडस रिवर के पास बेस्ड थी. तो वहाँ पर जो लोग रहते थे, वो जो लोग काम करते थे, जैसा वो किस भाषा में वो बात करते थे, वो भाषा अभी तक हमें पता नहीं लग पाया है. वो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट अभी तक उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, हमारे हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह. ठीक है, तो लेकिन उस टाइम की कुछ चीज़ें हैं बट पूरी तरह से डेसिफर्ड नहीं हुए हैं. ओके, सो द नेक्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट हिस्ट्री, जिसका हमारे पास पूरी तरीके से रिकॉर्डेड मटेरियल है, रिटन मटेरियल है, और हमें पता भी है. चलिए, प्री हिस्ट्री समझ आ गया, प्रोटो हिस्ट्री समझ आ गया, लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट स्लाइड. सो द हिस्ट्री ये लास्ट है पार्ट. अगर हम स्टडी ऑफ हिस्ट्री की बात करें तो प्री हिस्ट्री पढ़ चुके, प्रोटो हिस्ट्री पढ़ चुके. हिस्ट्री जिसका हमारे पास रिकॉर्ड है, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है कि हाँ जी ये फर्स्ट सेंचुरी में ऐसा हुआ था, सेकेंड सेंचुरी में ऐसा हुआ था, ये कौन सी सेंचुरी चल रही है, जैसे कि ये 21st सेंचुरी चल रही है, राइट? एज यू ऑल नो दिस इज 21st सेंचुरी, लेकिन 21st सेंचुरी से पहले जितनी भी सेंचुरीज हैं उनका हमारे पास एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है. दैट इज़ अबाउट हिस्ट्री पोर्शन. मेनी ऑफ दीज रिकॉर्ड्स आर ऑन रॉक्स. ये मैक्सिमम अगर आप देखें तो इनके रिकॉर्ड्स जो हैं हमें मिलते हैं पत्थरों पे, क्लेज पे, बार्क्स ऑफ द बर्च, यानी कि पेड़ के तनों के उस पे, तनों पर, या पेड़ के पत्तों पर. दे प्रोवाइड इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस पीरियड. और यही सबसे ज़्यादा हमें इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो कि 21st सेंचुरी से पहले पहले के सारे सेंचुरीज के बारे में, जिनका हमें पर हमारे पास सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, उसका उसका जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, डेफिनेटली. तो हम लोग उसी को ही आज तक स्टडी करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे. ओके, नेक्स्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल चलिए हम आगे पढ़ते हैं. सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, हम जो हमारे पास ये सोर्सेस आते कहाँ से हैं, हमें पता कैसे लगता है किस टाइम पे क्या क्या हुआ था.
press the next slide. Sources of history are, in our quest to know history, we need to look at the records of the past events. हम लोगों को पहले जो जो हुआ था, जो भी हुए थे, उनका एक रिकॉर्ड पहली चीज़. These records are known as sources of history. और जो भी ये हमारे पास records है, उसी को हम लोग sources कहते हैं history के. It is the task of history and archaeologists to explore and understand the past using various sources. ये हमारे historians और archaeologist का काम है कि वो हमारे लिए इन sources को इकट्ठा करते हैं और ताकि हम अपने past को समझ सकें. They follow clues and traces left by the people in the past. उनका काम क्या होता है हमारे historians का और archaeologist का, कि वो लोग इसको फॉलो करते हैं, क्लू को फॉलो करते हैं कि कहीं पर कोई सुराग मिल जाए किसी ज़मीन पर, कि हाँ यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ खुदी हुई, खुदाई करेंगे तो वहाँ से कुछ भी मिल सकता है, कहीं कोई कॉइन मिल सकता है या कोई क्ले पे लिखा हुआ कुछ मिल सकता है या कोई बोन मिल सकता है, कोई फॉसल मिल सकता है. तो वो सारे क्लूज़ होते हैं. तो दे फॉलो द क्लूज़ एंड ट्रेसेस लेफ्ट बाय द पीपल. जो भी लोग हमारे लिए छोड़ कर गए हैं या रह गए हैं, उनको फॉलो करते हैं, उन पर स्टडी करते हैं और फिर हमें बताते हैं. द सोर्सेज इंक्लूड फॉसल बोन्स. और इन सोर्सेज में क्या क्या है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं. पहले तो फॉसल हो गए, बोन्स हैं, हड्डियां हैं, रिमेन्स ऑफ सेटलमेंट्स हैं, पहले के ज़माने में लोगों के कुछ टूटे हुए घर वगैरह. मॉन्यूमेंट्स है, जो कि हम लोग देखते हैं, ताजमहल कह सकते हो, लाल किला, कुतुब मीनार, ये सारे मॉन्यूमेंट्स में आ जाते हैं. यूटेंसिल्स, कुछ पुराने बर्तन. पॉटरी भी है, जैसे कि कुछ पहले के टाइम पे किस तरह से वो लोग खाना वाना बनाते थे या मटके कैसे यूज़ किए जाते थे, तो पॉटरी एक बहुत बड़ा वो है, सोर्स है जानने का. और टूल्स के किस तरह से किन, क्योंकि मशीनें तो होती नहीं थी, तो कुछ ऐसे टूल्स से जिनसे वो लोग खाना वाना बनाते थे या कपड़े बनाते थे, कैसे रहते थे उसके बारे में. और प्लस हमारे पास पेंटिंग्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, इन सब के बारे में हम यही सारे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में आ जाते हैं. तो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री बेसिकली दो तरह की होती है, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज. आर्कोलॉजिकल सोर्सेज जो कि हमारे पास बहुत तरह की है, वो हम आगे पढ़ेंगे. लेकिन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में आप अगला जो इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने अगले स्लाइड पे दिया हुआ है, यू कैन प्रेस द नेक्स्ट स्लाइड एंड सी द एग्जांपल्स ऑफ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. एज यू कैन सी देर इज़ अ रथ टेम्पल इन विच इज़ इन महाबलेश्वर इन साउथ इंडिया, एंड द वन इज़ द आर्किटेक्चर. वो जो कलाकृतियाँ हैं जो मंदिरों में बनाई गई हैं पहले के टाइम पे, वो इन्हीं मंदिरों में बनाई गई हैं. एंड द कॉइन्स. सो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें हिस्ट्री के बारे में बताती हैं. इन सब सारी चीज़ों से हमें पता लगता है कि किस तरह से क्या कैसे लोग कितने टैलेंटेड हुआ करते थे उस टाइम पे, कि इतने बड़ी बड़ी चीज़ें वो लोग नक्काशी कर लेते थे और इतने सुंदर सुंदर टेम्पल्स बना लेते थे. तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे हिस्ट्री का, कि हिस्ट्री को जानने के लिए हम इन्हीं सोर्सेज का पता लगाते हैं. तो जो आर्कोलॉजिस्ट और हमारे हिस्टोरियंस का काम है, वो यही काम है कि वो इन सोर्सेज का पता लगाए. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद एंड नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज आर्कोलॉजिकल सोर्सेज. Archaeological sources. The archaeological sources include fossil remains, artifacts, tools, edicts, monuments, coins, etc. ये सारी चीज़ें हमारी archaeological sources हैं. Archaeological sources, archaeologists use them to reconstruct the past. के हमारे जो archaeologists हैं, जो इन सारी चीज़ों का पता लगा कर, इनको ढूंढ कर हमारे लिए लाते हैं, और ये लोग ही हमारे पास्ट को, हमारे अतीत को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी कि दोबारा से बना देते हैं हमें समझने के लिए, ताकि हम समझ पाएँ कि हम लोग
कैसे पहले इंसान रहा करते थे। आर्टिफैक्ट्स इंक्लूड मैन मेड ऑब्जेक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स जो आप इसमें पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आर्टिफैक्ट्स उन चीज़ों को बोला जाता है जो कि इंसानों द्वारा बनाए गए हैं, छोटी छोटी चीज़ें, ऑब्वियसली नॉट टेम्पल्स एंड मोन्यूमेंट्स, ये सारे की सारी चीज़ें ही लोगों द्वारा बनाए गए हैं, बट आर्टिफैक्ट्स जो छोटी छोटी चीज़ें जो लोग बनाते थे और यूज़ करते थे, जैसे कि पॉटरी, कोई भी मटका, घड़ा, कुछ भी कह सकते हो, टूल्स जिनसे पत्थर या जो कुल्हाड़ी, उन पत्थरों से किस तरह से वो लोग कुल्हाड़ी बनाते थे, या किसी भी तरह के टूल्स जो इस्तेमाल करते थे, ज्वेलरी बनाते थे, सील्स एंड टॉयज़, इन सब के बारे में आप जान पाएंगे कि उस टाइम पे टॉयज़ भी किस तरह से हुआ करते थे। सो दीज आर द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, एंड हम हर एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर फ्रॉम आर नेक्स्ट स्लाइड, विच यू कैन सी। फर्स्ट वन इज फॉसिल रिमेन्स, प्रेस द नेक्स्ट स्लाइड। सो द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में एक जो इम्पॉर्टेंट है वो है फॉसिल रिमेन्स। आप इसके बैकड्रॉप में अगर आप देख सकते हैं, पीछे एक डायनासोर का बोन है, तो ये फॉसिल्स हैं। फॉसिल का मतलब होता है इम्प्रिंट्स ऑफ प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमन प्रिजर्व्ड इन रॉक्स, यानी कि किसी पत्थर के ऊपर उनका उनकी छाप, किसी पत्थर के ऊपर किसी भी एनिमल, प्लांट या ह्यूमन की ही कोई छाप। दीज इम्प्रिंट्स आर यूजली मेड फ्रॉम हार्ड बॉडी पार्ट्स सच एज बोन्स और स्कल। और ये जो इम्प्रिंट्स है ये बनाए जाते हैं या होते हैं हार्ड बॉडी पार्ट से, जो कि जैसे कि बोन हो गया, स्कल हो गया, विच लीव अ परमानेंट मार्क ऑन द रॉक, जो कि एक पत्थर पर परमानेंट एक निशान दे देता है। तो फॉसिल रिमेन्स हम उसको कहते हैं। फॉसिल आर द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द स्पीशीज दैट हैव बिकम एक्सटेंट, फॉर एग्जाम्पल डायनासोर। और ये फॉसिल का इस्तेमाल, फॉसिल्स का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा हम डायनासोर्स के बारे में पता लगाने के लिए करते हैं, बिकॉज़ वही इकलौते हमारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, अगर हम डायनासोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो। ओके, नाउ द नेक्स्ट, नाउ सी द नेक्स्ट आर्कोलॉजिकल सोर्स, फॉसिल रिमेन्स समझ आ गया आप लोगों को, एंड प्रेस द नेक्स्ट स्लाइड। स्टूडेंट्स, नाउ द सेकेंड आर्कियोलॉजिकल सोर्स इज मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट्स आर एंशियंट बिल्डिंग्स, जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, स्ट्रक्चर्स सच एज टेम्पल्स, मॉस्क, टोम्स, पैलेसेस एंड फोर्ट्स, ये सारे मॉन्यूमेंट्स में आते हैं। दे थ्रो अ लाइट ऑन द सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द एज व्हेन दे वर बिल्ट, रिपेयर्ड और ऑल्टर्ड। ये इन मॉन्यूमेंट्स के थ्रू हमें क्या पता लगता है कि किस तरह से लोगों का धर्म कौन सा हुआ करता था, लोग कैसे रहते थे, किस धर्म को फॉलो करते थे। तभी अगर लाल किला है तो रेड फोर्ट या ताजमहल है, तो इसका मतलब इनको बनाने वाले डेफिनेटली इस इस्लाम धर्म को फॉलो करते थे, बिकॉज़ वो स्ट्रक्चर ही वैसा है। एंड अगर हम कहीं टेम्पल्स देखते हैं या बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री देखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जिस भी राजा ने कोई भी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री बनाया है, तो इसका मतलब वो डेफिनेटली वो राजा बुद्धिज़्म को फॉलो करता था, वो गौतम बुद्ध को फॉलो करता था। फॉर एग्जाम्पल सच लाइक दिस, सांची स्तूपा इन मध्य प्रदेश इज़ एन इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट। और आप इसमें देख पाएंगे कि सांची स्तूपा एक ऐसा स्तूप है कि जो मध्य मध्य प्रदेश में है, और बहुत ही इसका शायद इसका स्ट्रक्चर आपके हमारे नोट में भी मिलता है। सांची स्तूपा किसी एक नोट में भी अवेलेबल है, तो आप इस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं बैकड्रॉप में भी, कि ये जो स्ट्रक्चर है बैकड्रॉप में, ये इसको सांची स्तूपा बोलते हैं, और ये बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है, यानी कि इसमें गौतम बुद्ध की कहानियाँ हैं। और इसको बनाने बनाने वाला जो राजा था वो भी बुद्धिज़्म को फॉलो करता था। तो मॉन्यूमेंट्स हमें बताते हैं सोशल और रिलीजियस लाइफ के बारे में। ओके, नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, प्रेस द नेक्स्ट स्लाइड।
आर्टिफैक्ट्स, एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द प्रीवियस स्लाइड, कि आर्टिफैक्ट्स मैन मेड ऑब्जेक्ट्स को बोला जाता था जो कि इंसानों द्वारा बनाए जाते थे. नॉर्मल टूल्स, इम्प्लीमेंट्स, ऑर्नामेंट्स, पॉटरी, दे टेल्स अस अबाउट द काइंड ऑफ लाइफ पीपल लिव्ड, देयर ऑक्यूपेशन एंड देयर सोशल सेटअप. तो ये जो आर्टिफैक्ट्स हैं, इन आर्टिफैक्ट्स से हमें पता लगता है कि लोग किन चीज़ों, कैसे अपनी लाइफ बिताते थे, लोगों का ऑक्यूपेशन क्या हुआ करता था. वो लोग डेफिनेटली, वो लोग ऑफिस वगैरह तो नहीं जाते होंगे, जो लोग ये कारीगरी का काम करते थे तो उनका ऑक्यूपेशन हमें पता लगता है, और उनका सोशल सेटअप यानी कि किस समाज में वो रहते थे. ओके, नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्कोलॉजिकल सोर्सेस. Press the next slide. So the next is about inscriptions. Inscriptions are written records. Inscription जो होते हैं वो written records होते हैं, engraved on stones. ये पत्थरों पे कारीगरी की जाती है, लिखा जाता है. जैसे कि हम लोग, जैसे आज के टाइम पे inscriptions तो नहीं होते, हम लोग पेपर पे लिखते हैं, लेकिन उस टाइम पे कुछ मंदिरों के वॉल पर या स्टोन पर लिखे जाते थे. ये सबसे ज़्यादा रिलायबल सोर्सेज हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एनी पीरियड. अगर हमें किसी भी पीरियड के बारे में जानना है, किसी भी टाइम के बारे में जानना है कि 21st century में जैसे हम लोग रह रहे हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू नो अबाउट द पीपल लिविंग इन द 13th century, वट वी विल गो विद, वी विल डेफिनेटली लुक फॉर इंस्क्रिप्शन ऑफ 13th century, कि हम लोग को किसी तरह से 13th century की चीज़ें मिल जाएँ, सो दैट वी कैन स्टडी अबाउट इट, कि कैसे वहाँ पर लोग किस तरह से रहते थे, क्या करते थे. तो इंस्क्रिप्शंस हेल्प अस, दे आर द वेरी रिलायबल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड. ओके, सो यू अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट गो विद द नेक्स्ट स्लाइड, एंड विच इज़ द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस चैप्टर इज कॉइन्स. Coins, coins क्या है? Coins help us to understand the economic condition of a kingdom. Coins always help us to understand the economic condition of a kingdom. इसका मतलब ये है कि आप जैसे at present अगर हम बात करें तो हमारे present time में rupees इतने ज़्यादा चलते हैं, coins कम ही चलते हैं. हमारे पास 10 rupees का coin ही सबसे बड़ा coin है, otherwise तो और कोई coin तो है नहीं. तो ना ही 20 rupees का कोई कॉइन आता है, ना 50 rupees का कोई कॉइन आता है, ना ही 2000 rupees का कोई कॉइन आता है. तो कॉइन जो है वो किसी भी किंगडम के इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बताता है कि कैसी वो किंगडम कितना रिच हुआ करता था, कि वो उस किंगडम में क्या हर आदमी गोल्ड कॉइन्स इस्तेमाल करता था. मार्केट में किसी भी चीज़ को लेने के लिए लोग गोल्ड कॉइन्स का इस्तेमाल करते थे या सिल्वर कॉइन्स का इस्तेमाल करते थे. That gives us the information that how rich was that kingdom was. That they help us to ascertain the territorial extent and reign of the rulers. और coins से हमें ये भी पता लगता है कि particular kingdom जो होते थे, जो राजाओं के जो पूरा जो फैला होता था राजत्व, वो कहाँ कहाँ तक फैला होता था, टेरिटोरियल एक्सटेंट कितना है. कि कहीं कोई कॉइन्स अगर किसी सपोज़ इंडिया का कोई एक राजा है, अगर उसका कॉइन हमें कहीं बाहर अफ़गानिस्तान में या अफ़गानिस्तान से और दूर थोड़ा सऊदी अरब की तरफ अगर हमें मिलता है, इसका मतलब ये डेफिनेटली है कि वहाँ के लोग हमारे यहाँ के राजाओं के साथ ट्रेडिंग करते थे, या शायद यहाँ के राजाओं का पूरा टेरिटरी ही पूरा वहाँ सऊदी अरब तक फैला हुआ था, मे बी. ओके, सो कॉइन्स आर द वेरी विच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ किंगडम. समटाइम्स दे ऑल्सो प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द रूलर्स सच एज देयर रिलीजन. हम लोगों को कॉइन्स के थ्रू उन रूलर्स के इंफॉर्मेशन भी मिलते हैं. जैसे कि मैंने बताया कि गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स के बारे में या कॉपर कॉइन्स के बारे में, और प्लस वो राजा क्या करते थे. कुछ राजा लोग अपना अपनी फ़ोटो कॉइन्स पे छपवाते थे, प्रिंट करवाते थे, मतलब उनका ही कोई भी एक सिंबल कुछ भी हो गया. तो उस सिंबल से हम लोगों को ये भी पता लगता है कि वो राजा किस तरह का रिलीजन फॉलो करते थे. सो दीज आर द वेरी वेरी कॉमन थिंग्स, कॉमन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री
and archaeological sources of history. We will read about literary sources of history later on. Okay. Thank you so much. This is for today. And I hope aap logo ko itna samajh aa gaya hai. If you want to know more, please read out every slide again. You will able to understand. Thank you so much.